नमस्कार दोस्तों, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, एंड उसमें हम बात करेंगे सिक्वेंशियल इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के हिसाब से, तो शुरू करते हैं। सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सिक्वेंशियली होता है। मीन्स द सिक्वेंस एग्जीक्यूशन मीन्स द स्टेटमेंट आर बींग एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। सिक्वेंस रेफर्स टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड अ प्रोग्राम एंड सिंपलेस्ट वन। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री। इनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो सिक्वेंस के अंदर होगा। सिक्वेंस मीन्स पहले स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा, देन स्टेटमेंट टू, देन स्टेटमेंट थ्री। इस तरीके से एक सिक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर देखें, एक्स इक्वल टू 20, देन वाई इक्वल टू 30, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे रिजल्ट इवेलुएट कर लेगा और प्रिंट जेड कर देगा। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मल फ्लो होता है आपका, इसके अंदर कोई कंडीशन वगैरह कुछ भी चेक नहीं कर रहा। मीन्स स्टेटमेंट जैसा लिखा वैसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करता जा रहा है, एक के बाद एक एग्जीक्यूट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशनल और सिलेक्शन, या फिर इसको हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है कि जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन टेस्ट के ऊपर। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, द सिलेक्शन मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन टेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन कंस्ट्रेंट बिकॉज इट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन। देर आर सम कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब देखिए डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये क्या कह रखा है, यहाँ से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता हुआ चल रहा है, फिर यह कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपके स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, ये वाला आपका स्टेटमेंट का फ्लो एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या कह रखा है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू ये वाले एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसमें या तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम का, या फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाले पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, द इफ इज ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर परफॉर्म एंड इंडिकेटेड एक्शन ओनली वेन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज द एक्शन इज स्किप्ड। इफ स्टेटमेंट की हम बात करें तो कंडीशन वो चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं। देखिए इसका सिंटेक्स होता है, इफ कंडीशन, या फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन, देन कोलन, और इसके इंडेंटेशन में स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं ये सिक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो वेयर द स्टेटमेंट में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट और जस्ट पास स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है आपका पास स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे द एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन, जहाँ पे एक्सप्रेशन चेक कर रहा है ट्रू और फॉल्स होगा आपका जीरो या फिर वन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा यहाँ पे इसको फ्लो चार्ट के अंदर डिफाइन कर रहा है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो इसमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। द बुलियन एक्सप्रेशन इवेलुएट टू ट्रू, देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। आगे देखिए एग्जाम्पल, प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, थ्री नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, यहाँ पे जीरो साइन किया इनिशियल वैल्यू, फिर फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया, सेकंड नंबर एंटर कर दिया, थर्ड नंबर एंटर कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया मैक्स, उसमें एक्स को मैक्स ले लिया, फिर मैक्स को कंपेयर कर रहा है वाई के साथ। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो मैक्स के अंदर वाई होगा, अदरवाइज मैक्स के अंदर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। और फिर यहाँ पे जेड को इसके साथ मैक्स के साथ कंपेयर कर रहा है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो मैक्स के अंदर क्या जाएगा, जेड। और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट वी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो प्रिडिकेट वेदर द एंटर सिंबल इज स्पेस और डिजिट, तो यहाँ पे क्या किया,
एक्स इक्वल टू इनपुट एंटर द करेक्टर, जो भी करेक्टर एंटर करेगा। अब इफ एक्स इक्वल टू स्पेस है तो वो क्या हो जाएगा, स्पेस है, और अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9 है तो क्या हो जाएगा, आपका डिजिट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे केवल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, केवल कंडीशन होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। आगे इफ एल्स स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट इसने दे रखा है, इफ के अंदर कंडीशन, ये कंडीशन आपका डिसाइड करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन आपका फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एल्स का इसका जो सिंटेक्स होता है, इफ के बाद यहाँ पे कोलन आएगा और एल्स में भी कोलन आएगा, और ये सारी चीजें इंडेंटेशन ऑफ एल्स मीन्स फॉल्स पार्ट के लिए एग्जीक्यूट करेगा, एंड दीज आर द इन द इंडेंटेशन ऑफ इफ एंड दीज टू स्टेटमेंट दे मे बी सिंगल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट फॉर द ट्रू कंडीशन। देखिए इसका फ्लो चार्ट भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिख रखा बॉडी ऑफ इफ पार्ट एंड बॉडी ऑफ एल्स पार्ट। अब फ्लो चार्ट के अंदर देखिए, जैसे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, टेस्ट किया एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन के दो ही केस आएंगे, या तो एक्सप्रेशन क्या होगा फॉल्स, या एक्सप्रेशन क्या होगा ट्रू। तो इसमें या तो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा और या स्टेटमेंट आपका बॉडी ऑफ एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर, ये कंडीशन आपका बताएगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, होगा इसमें से केवल एक ही पार्ट, या तो बॉडी ऑफ इफ पार्ट या फिर बॉडी ऑफ एल्स पार्ट। तो इफ द कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू इट कैरीज द स्टेटमेंट इंडेंटेड बिलो द इफ, इफ द कंडीशन इवेलुएट टू फॉल्स इट कैरीज आउट द स्टेटमेंट इंडेंटेड बिलो द एल्स पार्ट। नेक्स्ट आप देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पे समझा रखा है कंडीशन के अंदर कि किस तरीके से हम कंडीशन चेक करते हैं। तो पाइथन सपोर्ट द अनयूजुअल लॉजिकल कंडीशन कंडीशन इन कंडीशन और एक्सप्रेशन इन द इफ स्टेटमेंट। इक्वल टू अगर चेक करना है तो ए इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी की सारी चीजें आपके सॉरी इफ के अंदर सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, ए इक्वल टू एक नंबर लिया, b इक्वल टू एक नंबर लिया, अब यहाँ पे चेक कर रहा है b ग्रेटर देन a है तो बिग नंबर कौन सा हो जाएगा आपका a, अदरवाइज इसके एल्स केस में a इज द बिगेस्ट नंबर। फिर कह रहा है टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, अब अगर हमें चेक करना है कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो इवन है या फिर ऑड है तो क्या होता है, देखिए इवन और ओड का कंसेप्ट ये है कि उस नंबर को टू से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाता है तो नंबर क्या हो जाएगा इवन, अदरवाइज नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑड। अब इसका अगर हम कोड लिखते हैं तो यहाँ पे आपको कंडीशन में चेक करना है, तो देखिए सबसे पहले आपने एक क्या ले लिया, नंबर ले लिया x इक्वल टू इंट इनपुट और यहाँ पे वैल्यू एंटर करवा लीजिए, तो एंटर ए नंबर। अब इस x को चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, तो आपने क्या किया यहाँ पे इफ x mod 2, mod ऑपरेटर आपका रिमाइंडर रिटर्न करेगा, अगर इसकी वैल्यू जो आएगी वो इक्वल टू क्या है आपका 0 तो वो क्या हो जाएगा नंबर इवन। तो यहाँ पे आपने प्रिंट कर दो, प्रिंट गिवन नंबर इज इवन, अदरवाइज इसके एल्स केस में आ जाइए, एल्स केस में हम यहां पे करेंगे प्रिंट गिवन नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पे जैसे इक्वलिटी चेक किए तो आप इस जगह पे लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं इफ एक्स मोड टू इक्वल टू 1 है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा आपका ऑड, और इसके एल्स केस में क्या हो जाएगा, ये एल्स केस में हो जाएगा इवन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट ए प्रोग्राम टू इवेलुएट सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, इवन नंबर्स का सम और ऑड नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 to 50। तो देखिए
जब भी हम किसी नंबर का सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो वेरिएबल लेंगे उनकी इनिशियल वैल्यू जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो। तो दो वेरिएबल लिए, ई सम उसकी वैल्यू भी जीरो, ओ सम इसकी वैल्यू भी जीरो। फिर यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फॉर आई इन रेंज 1 to 51, तो रेंज फंक्शन यूज कर रहा है, तो ये 1 to कितना चलेगा, 50। अब यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, कैपिटल आई है ये, आई मोड 2 इक्वल टू 0, मीन्स आई की वैल्यू क्या पहले 1 लेगा, तो 1 मोड 2 इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसके एल्स केस वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई की वैल्यू 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा, वो 50 तक। तो इसमें से जो जो इवन नंबर्स होंगे वो सम चला जाएगा ई सम के अंदर, और जो जो ओड होंगे वो किस में चला जाएगा, आपके इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 50 ई सम के अंदर आ जाएगा, और सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 50 ओ सम के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या यूज किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे इसने यूज किया है, ठीक है। ऐसे कैसे भी प्रोग्राम बना सकता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करके। नेक्स्ट है आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसका अगर सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए क्या कह रखा है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इफ, फिर इसके एल्स इफ के अंदर इसने यूज किया एल इफ, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर बॉडी ऑफ इफ, फिर इसके एल्स पार्ट में सॉरी इसने यूज किया बॉडी ऑफ एल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड इफ यूज कर रहा है एल्स पार्ट के अंदर, तो उसी में इफ एलिफ कह रहे हैं। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, द एलिफ इज द शॉर्ट फॉर एल्स इफ, इट अलाउ यूज टू चेक फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन, इफ द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स इट चेक द कंडीशन ऑफ द नेक्स्ट इफ एलिफ ब्लॉक सो ऑन, इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स बॉडी ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड, ओनली वन ब्लॉक अमॉन्ग द सेवरल इफ एलिफ एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इसमें कह रखा है कि केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर, ठीक है। इफ द इफ ब्लॉक कैन हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक बट इट कैन हैव मल्टीपल इफ एलिफ स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रखा है कि इस इफ के अंदर एल्स एक ही होगा बट एलिफ आपके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट ऑफ इफ एलिफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कह रखा है, टेस्ट एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो इसमें क्या किया इसने, फॉल्स केस के अंदर फिर टेस्ट एक्सप्रेशन चेक कर रहा है, फिर फॉल्स तो इसके अंदर ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, एलिफ पार्ट हो गया, और अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। देखिए इफ नम ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव नंबर, एलिफ नम इक्वल टू जीरो है तो जीरो, एल्स नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इफ एलिफ स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेस्टेड इफ की, नेस्टेड इफ क्या होता है आपका, देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इन साइड द अनदर इफ स्टेटमेंट। अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट डिफाइन है तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ। अब ये जो दूसरा इफ स्टेटमेंट होता है ये ट्रू पार्ट में भी हो सकता है और एल्स पार्ट में भी हो सकता है। एनी नंबर ऑफ दीज स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इन साइड द वन अनादर, इंडेंटेशन इज द ओनली वे टू फिगर आउट द लेवल ऑफ नेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए ये इफ स्टेटमेंट लिखा, इसके अंदर ये इफ स्टेटमेंट लिखा और ये एलिफ लिखा, तो ये एलिफ जो स्टेटमेंट है ये इसका पार्ट है, और अगर हम इसकी एलिफ की बात करें तो ये वाला इसका एलिफ पार्ट है। तो इस तरीके से हम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम हम नेस्टेड इफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके डायग्राम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे यूज़ किया नंबर को एंटर किया, नंबर 2 से डिवाइड चेक कर रहा है, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो डिविजिबल बाय 3 एंड 2, अगर ये नहीं है तो एल्स केस में क्या होगा, इसमें डिविजिबल बाय 2 बट नॉट क्या है, क्योंकि ये एल्स पार्ट किसका है आपका, इस इनर का है। सिमिलरली इसके एल्स पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तब हो जाएगा जब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या होगा, सॉरी 3 से तो डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, और एल्स केस में क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड इफ है। इसके अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट आपको समझा रखा है, टेस्ट एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट किया, नो तो फिर टेस्ट एक्सप्रेशन उसमें चेक किया, फिर अगर ये नहीं है तो फिर टेस्ट एक्सप्रेशन 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, और जो इफ स्टेटमेंट हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, एल्स जो इनर इफ होता है और एक होता है आउटर इफ। जो जो इनर इफ स्टेटमेंट होता है उसको हम ट्रू पार्ट में भी मीन्स एल्स पार्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं और फॉल्स पार्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका
कंडीशनल स्टेटमेंट था। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो इसमें दे रखा है, ये इफ स्टेटमेंट जो यूज कर रखा है ये इसके ट्रू पार्ट में, मीन्स इफ स्टेटमेंट में, तो दिस इज द इनर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, इनर लूप डिफाइन इन साइड द ट्रू पार्ट ऑफ द आउटर लूप। एक्चुअली दिस इज नॉट लूप, दिस इज इफ स्टेटमेंट। तो इनर इफ डिफाइन इन साइड द ट्रू पार्ट ऑफ आउटर इफ। ठीक है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये हमारा मोटो है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स करके बताइए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।